सॉलिड स्फेयर के लिए फॉर्मूलाज करते हैं ई का और वी का. तो अगर आपके पास ये एक सॉलिड स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर मीन्स अंदर से वॉल्यूम वाइज है, तो सॉलिड स्फेयर के बाहर अगर आप स्मॉल आर डिस्टेंस टू वैल्यू निकालते हो ई की, तो ई इज इक्वल टू जी एम बाई स्मॉल आर स्क्वायर. और वी का फॉर्मूला वही शेल वाला लगेगा, माइनस जी एम बाई स्मॉल आर. सरफेस के ऊपर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, वही शेल और सॉलिड स्फेयर में कोई फर्क नहीं है, फर्क इनसाइड में है. तो सॉलिड स्फेयर के इनसाइड अभी मैंने आपको शेल थ्योरम में फोर्स का फॉर्मूला लिखवाया था, जी एम एम आर बाई कैपिटल आर क्यू, एक मास उड़ा दो छोटा एम, तो ई का फॉर्मूला बन गया. क्योंकि ई क्या होता है, फोर्स अपॉन छोटा एम, तो एम उड़ेगा तो बचेगा क्या, ई, तो ई का फॉर्मूला है. और वी का फॉर्मूला इसके अंदर क्या होगा, ये मैं आपको प्रूफ बिल्कुल नहीं बता सकता इसका, ये प्लस टू के अंदर आएगा प्रूफ, फॉर्मूला ही याद करना पड़ेगा. वी का फॉर्मूला इनसाइड सॉलिड स्फीयर, ये बड़ा सा फॉर्मूला है, फिर कैपिटल आर सॉलिड स्फीयर का रेडियस है, स्मॉल आर किसी भी पॉइंट पे जहां पर आपको वी निकालना है. हाँ, ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको इतना बड़ा फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन दिखेंगे नहीं. हाँ, मेंस के अंदर एक क्वेश्चन उन्होंने इसके ऊपर डाला हुआ है, प्रीवियस ईयर में आपको ये फॉर्मूला यूज करता हुआ दिखेगा. तो फॉर्मूला तो नोट, सारे फॉर्मूला आपने नोट करनी है घर जाके, अभी तो क्या ही करेंगे, काफी बड़े फॉर्मूलाज हैं. हाँ, एक फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में कॉमनली यूज्ड है, एक अर्थ सॉलिड स्फीयर अर्थ है, जैसे अर्थ के लिए फॉर्मूला काम आते हैं. तो अर्थ के सेंटर पे, सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे वी का फॉर्मूला क्या है, तो सॉलिड स्फीयर का स्मॉल आर के ऊपर वी का ये फॉर्मूला है, सेंटर पे छोटे आर को क्या पुट कर देंगे, जीरो, छोटे आर को जीरो पुट करेंगे सेंटर आएगा, जब छोटा आर जीरो पुट करेंगे ये आंसर आएगा, माइनस थ्री बाई टू जी एम बाई कैपिटल आर. लेकिन ये वैल्यू माइनस जी एम बाई कैपिटल आर पोटेंशियल की वैल्यू कहां पर है, सरफेस पे, और ये माइनस थ्री बाई टू मल्टीप्लाई करने पे कहां पर आ गई, सेंटर पे. तो एक रिजल्ट आ गया, सॉलिड स्फीयर या अर्थ के सेंटर पे वी का फॉर्मूला इज माइनस थ्री बाई टू जी एम बाई कैपिटल आर, मतलब जितना सरफेस पे होता है उसका थ्री बाई टू टाइम्स हो जाता है. ये फॉर्मूला आप घर जाके सारे लिखेंगे, लिखना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको संडे को जो टेस्ट दूंगा उसमें फॉर्मूला भी दूंगा ये सारे, तो आपको सारे फॉर्मूला लिस्ट में बना के दूंगा, आपको वो मार्क करने, एक एक नंबर फ्री के हैं, 12 नंबर तो फ्री के ऐसे आते हैं फॉर्मूले फॉर्मूले लिखने से, सिर्फ क्या बढ़िया टेस्ट बनेगा देखो ना, सिर्फ फॉर्मूला लिखे 12 नंबर तो पक्के ही हैं, पढ़ाना ठीक है यहाँ तक. ग्राफ वेरिएशन आएगा, सुन लो, सॉलिड स्फीयर में ई का ग्राफ देखो कैसे बनेगा, इंपॉर्टेंट, सॉलिड स्फीयर में ई का ग्राफ, सॉलिड स्फीयर के इनसाइड ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, जब मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, और बाहर ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर का स्क्वायर. तो ई का ये ग्राफ प्लॉट करना, शेल में ये करना ध्यान से, और सॉलिड स्फीयर में ये करना. संडे के टेस्ट में दूंगा ये सारे ग्राफ भी दूंगा और साथ में ये फॉर्मूला भी दूंगा. 12-15 नंबर फ्री के हैं, इसको कुछ भी नहीं, एक पेज याद करके आ जाएंगे आपके. समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, तो आने ही आने हैं. अब नेक्स्ट है वी का ग्राफ. देखो वी के ग्राफ में क्या करना है, वी के ग्राफ में सॉलिड स्फीयर के अंदर वी क्या होता है, इनसाइड ये होता है. मुझे नहीं आता इसका ग्राफ प्लॉट करना, इतने बड़े फॉर्मूला कौन ग्राफ प्लॉट करेगा. तो मैंने देखा कि इसका ग्राफ ये रहा, तो इसका ग्राफ किसी ने ये बनाया हुआ है, देखो यहां तक, और ये सेंटर है सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे वी की वैल्यू क्या बताई थी, माइनस थ्री बाई टू जी एम बाई आर. हाँ, सॉलिड स्फीयर के बाहर मुझे पता है कि जो वी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
स्मॉल आर, हाँ ये सही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। तो मोटा मोटा कुछ नहीं करना है यार, ये ग्राफ की वेरिएशन याद कर लो, ये सॉलिड स्फीयर का वी का ग्राफ है। तो चार ग्राफ आएंगे, मैं एक तो मार्क कर ही देना, तो सॉलिड स्फीयर का ग्राफ वी का और ई का, शेल का वी का और ई का, चार ग्राफ याद रखने हैं, चारों के फॉर्मूला भी याद रखने हैं। क्या यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर है?